नमस्कार दोस्तों, मैं सागर कुमार आपका स्वागत करता हूं सेंसिबल के इस नए हिंदी डेली मार्केट एनालिसिस वीडियो में। चलिए शुरू करते हैं हमारा मार्केट एनालिसिस। सबसे पहले देखेंगे जो हमने लास्ट एनालिसिस किया था कैसा टर्नआउट हुआ है, बात करेंगे आगे मार्केट किस तरीके का हो सकता है। तो लास्ट मैंने आपसे यही बात कही थी कि जैसे यहाँ पर मार्केट ने तीन चार रेड कैंडल्स लगातार बना दिए हैं, तो मेरी मार्केट से यही उम्मीद रहेगी कि एटलीस्ट मार्केट क्या है ना कि थोड़ा टाइम यहाँ पर निकाल दे। ठीक है, एक बार यहाँ पर अगर रेजिस्टेंस मार्केट लेता है तो मुझे जो लोग जिन लोगों ने ये रैली मिस करी होगी उनके लिए एक फ्रेश एंट्री पॉइंट होगा और मार्केट भी एस्टेब्लिश कर पाएगा कि बॉस यहाँ से एक फ्रेश रैली होने वाली है या फिर इस तरीके का मार्केट वापस नीचे एक रिवर्सल होने वाला है। ठीक है, तो अभी मार्केट एक परफेक्ट जगह पे मेरे हिसाब से खड़ा हुआ है और जैसा कि यहाँ पर आपने पिछले फ्राइडे वाले दिन मार्केट ने एक रिजेक्शन हमें यहाँ पर दिया था और उसके बाद मार्केट ने 24,000 को एक अच्छा सपोर्ट बनाते हुए, 24,000 यही लेवल है, इसको एक अच्छा सपोर्ट बनाते हुए मार्केट ने ओपनिंग वहीं पर दी और उसके बाद एक अच्छा यहाँ पर अपसाइड मोमेंट हमें देखने को मिला। ठीक है, अब यहाँ से अगर मार्केट ये 24,200 24,200 के लेवल को क्रॉस करता है तो देन फिर से मार्केट एक प्राइस एक्शन ये एस्टेब्लिश कर देगा इस तरीके का, फिर मार्केट एक हाइयर हाई स्ट्रक्चर में और ऊपर मूव करने लगेगा। ठीक है, अगर आप इसी को अगर बैंक निफ्टी से कंपेयर करोगे तो बैंक निफ्टी थोड़ा सा वीक है अभी, लेकिन ये स्ट्रक्चर अभी कोई बुराई नहीं है इस स्ट्रक्चर में। अनलेस बैंक निफ्टी क्या करता है, जैसे यहाँ पर भी आपने देखा, मैं आपको यही बता रहा था कि मार्केट जब इस तरीके से मूव करेगा, वापस जब अपसाइड मूव करेगा, फिर यहाँ से ये इस तरीके का मूव मार्केट में होते रहते हैं। ठीक है, अब यहाँ से अगर मार्केट के पास दो चांसेस है, बैंक निफ्टी में थोड़ा आपको और क्लियरली ये चीज़ दिखाई दे रही होगी, निफ्टी तो ऑलरेडी अपने मुझे लगता है ब्रेकआउट लेवल के आसपास ही खड़ा हुआ है। अब यहाँ से अगर मार्केट हायर अगर यहाँ से ब्रेक करता है, हायर लेवल्स ब्रेक करता है 24,200 या 24,150 के ऊपर भी अगर मार्केट निकलता है तो यहाँ पर भी हमें एक अच्छा अपसाइड मूव देखने को मिल सकता है। ठीक है, अगर मैं इसको छोटे टाइम फ्रेम पे आपको दिखाऊं, 15 मिनट चार्ट पर हम लोग चलते हैं। ठीक है, और देखिए सिमिलर वही ऑलमोस्ट वैसा ही पैटर्न बन रहा है जैसे यहाँ पर आपको पैटर्न बनता हुआ दिखाई दिया था। ठीक है, और एक और जगह हुआ था यही चीज़, हालांकि यहाँ तो जैसे यहाँ पर आपको ये दिखाई दे रहा है ना, मार्केट थोड़ा साइडवेज गया फिर एक ब्रेक किया मार्केट ने, वैसे ही कुछ कुछ यहाँ पर भी होता हुआ दिखाई दे रहा है कि बस मार्केट में रिट्रेसमेंट आया, मार्केट थोड़ा कम्प्लीटली साइडवेज चला गया, एक पुल बैक मार्केट ने दिया कम्प्लीटली साइडवेज, और उसके बाद अगर मार्केट ये फिर से क्रॉस करेगा, ये कौन सा लेवल है, नियर अबाउट 24,160 के आसपास, 24,160 को लेवल अगर मार्केट फिर से क्रॉस करेगा तो यहाँ से फिर से एक बाइंग अपॉर्चुनिटी बनती है, यहाँ से हम लोग प्लान कर सकते हैं। और मार्केट के लिए अब देखिए मार्केट ने ना इंपॉर्टेंट लेवल हमको दे दिया है कि बस मेरा जो इंपॉर्टेंट लेवल है ना वो ये लेवल है विच इज 24,000, इसके नीचे मुझे नहीं जाना है। अगर 24,000 के मैं नीचे जाता हूँ तो मैं थोड़ा सा नेगेटिव बन जाऊंगा यहाँ पर। ठीक है, क्योंकि फिर उस टाइम पे क्या होगा, मार्केट में प्राइस एक्शन जो है वो नेगेटिव स्टैब्लिश होता हुआ दिखाई देगा। तो हमारे लिए सिंपल सा बहुत अच्छे दो पॉइंट्स हमें मिल गए हैं, एक 24,000 अगर मैं राउंड ऑफ करके बात करूँ 24,000, और दूसरा 24,200। ठीक है, 200 160 जो भी है, ये लेवल एक इंपॉर्टेंट लेवल हमारे लिए बन गए, इसके ऊपर मार्केट रहेगा पॉजिटिव, इसके नीचे मार्केट थोड़ा सा नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, यही चीज़ आपको बैंक निफ्टी में भी दिखाई देगी, यही सिमिलर चीज़ आपको बैंक निफ्टी में भी दिखाई देगी। अब बैंक निफ्टी के लिए भी हमारा यहाँ पर क्या प्लान होना चाहिए, देखिए बैंक निफ्टी के लिए हमने डिसाइड कर लिया कि बॉस अगर मार्केट देखिए इस जोन में कहीं पर भी, इस जोन में बीच में अगर मार्केट ओपन होता है तो यहाँ पर ट्रेड मत करिएगा। ठीक है, ये नो ट्रेड जोन हो जाएगा आपके लिए। इसके ऊपर मार्केट पॉजिटिव के लिए हम प्लान करेंगे, इसके नीचे हम नेगेटिव के लिए प्लान करेंगे। ठीक है, सिंपल, कुछ ज़्यादा सोचना समझना नहीं है यहाँ पर, जितना हो सके चीज़ों को सिंपल रखेंगे, है ना। और बैंक निफ्टी की अगर बात करेंगे तो बैंक निफ्टी एक चीज़ ये समझ में आ रही है कि ये एक इम्पॉर्टेंट लेवल बन रहा है, कौन सा वाला, ये जो एक जोन है, या मैं इसको रेक्टेंगल से ही मार्क कर देता हूँ, सॉरी यहाँ पर मिलेगा मुझे। ठीक है, ये एक जोन मुझे बनता हुआ दिखाई दे रहा है। ठीक है, अब ये जोन क्यों बन रहा है, ये अच्छा जोन क्यों दिखाई दे रहा है, क्योंकि यहाँ से मार्केट ने एक रेजिस्टेंस लिया था। ठीक है, फिर इसको ब्रेक किया, फिर यहाँ पर सपोर्ट लिया, ठीक है, कई बार यहाँ पर सपोर्ट लिया, फिर इसको ब्रेक किया, यहाँ पर फिर से रेजिस्टेंस लिया। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट जोन बन जा रहा है विच इज 52,600 700 का जो जोन है, 52,700 का लेवल है, इसके ऊपर अगर मार्केट निकलता है तो हमारे लिए हम यहाँ पर हम पॉजिटिव ही सोचेंगे। देखिए जो प्रीवियस ट्रेंड है वो मार्केट में चल रहा है बुलिश। ठीक है, तो उसके
अलावा मतलब उसके अगेंस्ट हम मार्केट में अभी कुछ भी नहीं सोचेंगे, अनलेस मार्केट क्या करता है हमारे लिए ये लेवल 52,200 के मार्केट अगर नीचे जाता है तो हमारे लिए मार्केट हो जाएगा नेगेटिव, ठीक है। इसके ऊपर तो मार्केट हमारे लिए कंप्लीटली बुलिश हो जाएगा, फुल बुलिश हो जाएगा, यहाँ पर पॉजिटिवनेस आ जाएगी 53,000 के ऊपर, ठीक है। 52,700 के ऊपर हम मार्केट में प्लान कर सकते हैं, इस हाई के ऊपर मैं मार्केट में प्लान कर सकता हूँ कि हाँ यहाँ से मैं बाय करूंगा, पहला हमारा 53,000 का टारगेट रहेगा, उसके ऊपर मार्केट निकलता है तो फिर हम होल्ड करते चलेंगे, ठीक है, ऐसा प्लान हमारा होना चाहिए। और जो इम्पॉर्टेंट एक लेवल है जहाँ पर मैं स्टॉप लॉस प्लान कर सकता हूँ वो है 52,400 का, ठीक है। ये 52,400 ले लीजिए, नहीं तो ये एक जोन ले लीजिए, अगर मार्केट यहाँ से कहीं से फ्लैट अगर ओपन होता है तो देखिए यहाँ पर भी सिंपल रखते हैं चीज़ों को, ये लेवल और ये लेवल मार्क कर लेते हैं, विच इज़ 52,700 और नीचे 52,200, ठीक है। ये जोन हमारे लिए क्या रहेगा, ये नो ट्रेड जोन रहेगा, ठीक है, नो ट्रेड जोन रहेगा हमारे लिए ये, ठीक है, ये नो ट्रेड जोन रहेगा। इसके ऊपर मार्केट मेरे लिए पॉजिटिव हो जाएगा, इसके नीचे मार्केट मेरे लिए नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर हम प्लान इस तरीके से कर सकते हैं, अगर पॉजिटिव होगा यहाँ पर हम होल्ड करेंगे, बस देखेंगे कि 53,000 के आसपास मार्केट कैसा बन रहा है, ठीक है। इसके ऊपर अगर मार्केट निकलता है तो हम होल्ड करके रखेंगे, इसको बेचेंगे नहीं, ठीक है, होल्ड करके यहाँ पर रखेंगे। और अगर ये नेगेटिव भी जाता है तो भी मैं यही कहूँगा कि थोड़ा वेट होल्ड करके रखना पड़ेगा और 52,000 के आसपास देखना पड़ेगा एक बार ये कैसा रिएक्ट कर रहा है, और इसको होल्ड करेंगे लंबे टाइम के लिए। एक 52,000 एक स्ट्रॉन्ग मतलब ठीक ठाक सपोर्ट दिखाई दे रहा है, क्योंकि यहाँ से मार्केट ने दो बार रेजिस्टेंस लिया है 52,000 से, तो यहाँ पर मे भी आकर थोड़ा ये हॉल्ट कर सकता है, फिर उसके बाद डाउन मूव अपना कंटिन्यू रखे, ठीक है। तो अभी जो स्ट्रक्चर है, बेसिक स्ट्रक्चर जो मार्केट में है वो अभी भी इंटैक्ट है, कोई भी यहाँ पर प्रॉब्लम नहीं है अभी, ठीक है, किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर। ये इसके ऊपर मार्केट फिर बुलिश हो जाएगा अपसाइड पर, इसके नीचे मार्केट में थोड़ा सा हमें बेरिश एक्टिविटी होती हुई, नेगेटिव एक्टिविटी होती हुई मार्केट में दिखाई देगी, फिर ये थोड़ा डाउन साइड मूवमेंट के लिए मार्केट आ सकता है, ठीक है। अभी कोई भी प्रॉब्लम यहाँ पर नहीं दिखाई दे रही है। अगर ओपन इंटरेस्ट देखते हैं, निफ्टी के लिए 24,000 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट दिखाई दे रहा है और बैंक निफ्टी के लिए 53,000 स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है, वाजिब बात है, ठीक है, मतलब ऑब्वियस बात है, वाजिब बात है कि हाँ 24,000 एक स्ट्रॉन्ग निफ्टी में सपोर्ट बन रहा है, बना हुआ है, क्योंकि वहीं से मार्केट ने रिकवरी करी है और एक इंपॉर्टेंट लेवल भी है, ठीक है, साइकोलॉजिकल नंबर भी है वही 53,000 बैंक निफ्टी के लिए, क्योंकि वहां से मार्केट ने रिवर्स किया है और वहां से एक इंपॉर्टेंट लेवल, वो भी एक इंपॉर्टेंट लेवल भी है, राउंड नंबर भी है, ठीक है। अब अगर ओपन इंटरेस्ट या अगर आप FIDI डेटा देखते हैं तो FIDI डेटा में एक चीज समझ में आ रही है कि जो FIIs हैं वो फ्यूचर्स में बुलिश हैं, अच्छा खासा बुलिश है, ठीक है, फ्यूचर्स में ये दोनों ही बुलिश, ये FIIs बुलिश दिखाई दे रहे हैं, और प्रो जो है प्रो और जस्ट अ सेकेंड, हाँ, FIIs बुलिश दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, बुलिश है अभी FIIs, प्रो और क्लाइंट दोनों फ्यूचर्स में नेगेटिव हैं, ठीक है, फ्यूचर्स में दोनों बेयरिश है, ठीक है। प्रो हालांकि ऑप्शंस में बुलिश बन रहा है, ठीक है, आप देख रहे हैं ऑप्शंस में बुलिश बन रहा है, लेकिन क्लाइंट जो है वो दोनों ही फ्यूचर्स और ऑप्शंस में दोनों में ही बेरिश बना हुआ है। तो एक चीज समझ में आ रही है कि जो प्रो है उनका थोड़ा सा ऐसा लग रहा है, थोड़ा सा इनडिसाइसिव दिखाई दे रहा है, क्योंकि फ्यूचर्स में बेरिश हैं, ऑप्शंस में बुलिश हैं, तो ऑल इन ऑल थोड़ा न्यूट्रल ले सकते हैं हम लोग, ठीक है, न्यूट्रल ले सकते हैं। और अगर पोजीशन वाइज देखे जाए तो ऐसा लगेगा कि हाँ ऑप्शंस में काफ़ी बड़े पोजीशन ले रखे हैं और फ्यूचर्स में उतने बड़े पोजीशन है नहीं, तो थोड़ा सा मैं इसको पॉजिटिव, स्लाइटली पॉजिटिव बायस मैं सोच सकता हूँ यहाँ पर। FIIs पॉजिटिव दिखाई दे रहे हैं, फ्यूचर्स में भी और ऑप्शंस में भी पॉजिटिव ही हैं, क्लाइंट थोड़ा सा नेगेटिव दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, ये उतना पॉजिटिव नहीं है, बट हाँ FIIs काफ़ी पॉजिटिव दिखाई दे रहे हैं और क्लाइंट क्लियरली नेगेटिव दिखाई दे रहा, ठीक है। तो FIIs और प्रो का देखा जाए तो ये थोड़ा सा बुलिश बाइस की तरफ समझ में आ रहा है इनका डायरेक्शन। तो कुल मिला के देखिए, अगर अभी हम कंडीशन देखते हैं तो निफ्टी की बहुत स्ट्रांग क्लोजिंग हुई है, प्रीवियस जो सेलिंग लेवल था, प्रीवियस जो ऑल टाइम हाई था, उसके आसपास सीस ने क्लोज दिया है निफ्टी में, बहुत स्ट्रांग क्लोज यहाँ पर निफ्टी ने दिया है। बैंक निफ्टी थोड़ा सा स्ट्रगल कर रहा है, लेकिन मुझे लगता है कि अगर निफ्टी ऑल टाइम हाई ऊपर ट्रेड करने लगेगा तो बैंक निफ्टी भी अपने आप को पिकअप करेगा, बैंक निफ्टी भी तेजी से मूव करना शुरू कर देगा, ठीक है। तो मेरे हिसाब से जब तक कि
आज की ग्रीन कैंडल के नीचे कोई भी मार्केट में मूवमेंट नहीं होता है, इसके नीचे अगर नहीं जाता है मार्केट तो मेरे लिए मार्केट बुलिश ही रहेगा। ठीक है, जब तक इस कैंडल के ऊपर है तब तक मेरे लिए मार्केट बुलिश ही रहेगा, यहाँ से अपसाइड पर ही हम मार्केट में प्लान करेंगे क्योंकि जो प्रीवियस ट्रेंड है वो पॉजिटिव ट्रेंड है। तो अगर मार्केट यहाँ से हायर मूव करता है, जो हमने लेवल्स डिस्कस करें उसके ऊपर अगर मूव करता है तो हम पॉजिटिव साइड पर रहेंगे, और अगर इसके नीचे जो हमने लेवल्स डिस्कस करें उसके नीचे साइड पर मूव करता है तो हम यहाँ पर बेयरिश प्लान करेंगे, तभी हम यहाँ पर बेयरिश प्लान करेंगे। बगैर मैं ये कहूँगा तभी करना है बेयरिश प्लान, नेसरी प्लान मत करना अभी। ठीक है, और बीच में ट्रेड नहीं करना है, ये जो लेवल्स हैं ये जो जोन है इसके बीच में ट्रेड प्लान नहीं करेंगे, इसके बीच में बिल्कुल भी ट्रेड प्लान नहीं करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो सिंपल सा रखेंगे, निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों ही बुलिश अभी दिखाई दे रहे हैं, निफ्टी थोड़ा ज़्यादा बुलिश, ज़्यादा एग्रेसिव दिखाई दे रहा है। ठीक है, और अगर ये फिर से ऑल टाइम हाई या आज के कैंडल का हाई क्रॉस करता है तो फिर से हम यहाँ पर बुलिश ट्रेड प्लान करेंगे, जब तक कि निफ्टी 24,000 के नीचे नहीं जाएगा तब तक हम यहाँ पर कोई भी नेगेटिव ट्रेड प्लान नहीं करेंगे। सिमिलरली बैंक निफ्टी में भी, जब तक कि बैंक निफ्टी 52,200 के नीचे नहीं जाता तब तक हम नेगेटिव प्लान नहीं करेंगे, और 52,700 के ऊपर, 800 के ऊपर हम मार्केट में बुलिश प्लान कर सकते हैं इसको। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से हम यहाँ पर कुछ सोच सकते हैं, और हाँ 53,000 पर एक ज़रूर रेजिस्टेंस है, और वही बैंक निफ्टी में 24,000 पर अच्छा सपोर्ट दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो दोनों ही बुलिश दिखाई दे रहे हैं अभी, और इसी के साथ ये था मेरा निफ्टी और बैंक निफ्टी का एनालिसिस। आई होप ये आपको पसंद आया होगा, पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए, सेंसिबल के हिंदी चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, और हमेशा की तरह अपने कैपिटल को बचा के ट्रेड करिए, स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड करिए, हेज के साथ ट्रेड करिए, एंड हैव अ सेफ एंड हैप्पी ट्रेडिंग सेंसिबल। बाय बाय।